पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कादर जनजाति। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में एक हाथी के हमले से एक कादर आदिवासी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने स्वदेशी समुदाय और संरक्षण वादियों को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि कादर आदिवासी जनजाति सदियों से जंगली हाथियों के साथ सह अस्तित्व में रहने के लिए जानी जाती है। चलिए अब जानते हैं कादर आदिवासी जनजाति के बारे में। यह दक्षिण भारत में रहने वाली छोटी स्वदेशी आदिवासी जनजाति है। इस जनजाति के लोग केरल में कोचीन और तमिलनाडु में कोयम्बटूर के बीच पहाड़ी सीमा पर रहते हैं। ये पारंपरिक वन निवासी हैं, जो जीविका के लिए पूरी तरह से वन उपज पर निर्भर है। ये खेती नहीं करते हैं और अपने रोजगार की आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण भी नहीं करते हैं। इस जनजाति के लोग चावल खाना अधिक पसंद करते हैं। ये लोग लंबे समय से मैदानी इलाकों के व्यापारियों के लिए शहद, मोम, साबुदाना, इलायची, अदरक और छतरी की छड़ियों के विशेष संग्रहकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। इनका प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध है और ये कादर और कादू जंगल के सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। कादर में वन संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक प्रोटोकॉल या नियम है। कादर लोग आमतौर पर तमिल और कन्नड़ भाषाएं बोलते हैं। ये लोग जंगल की आत्माओं और हिंदू देवताओं के स्थानीय रूपों की पूजा करते हैं। ये जनजाति केरल में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी PVTG के रूप में सूचीबद्ध है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं। चलिए जानते हैं अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। यह टाइगर रिजर्व दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह वर्ष 2003 में घोषित अनामलाई परम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। यह पूर्व में चिनार वन्यजीव अभयारण्य और दक्षिण पश्चिम में इराविकुलम नेशनल पार्क तथा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है। यह रिजर्व केरल के नेनमारा वाजचल, मलयत्तूर और मरयूर आरक्षित वनों से भी घिरा हुआ है। इस अभयारण्य में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों में अमरावती, उदुम लपेट, पोलाची, उलेडी और वलपरई आदि शामिल हैं। यहाँ नम सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्तनधारियों में एशियाई हाथी, सांभर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, माउस हिरण, गौर, नीलगिरी तहर, बाघ आदि शामिल है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कादर जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये जनजाति केरल में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी PVTG के रूप में सूचीबद्ध है। दो, इस जनजाति के लोग चावल खाना अधिक पसंद करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।